गाइज, हड्डियों को जमा देने वाली ठंड से बचने के लिए हमारी भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी विदेशी सामानों पर निर्भर रहती है। वहीं खुद हमारे यहाँ इसराइल जैसे देश की सेना के लिए जरूरत की चीजें बनती आई हैं। बट अब सैनिकों की वर्दी बनाने के लिए इंडिजनाइजेशन यानी स्वदेशीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है और मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत का असर बाकी क्षेत्र के साथ इंडियन आर्मी में भी दिख रहा है। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 209 आइटम को निगेटिव इम्पोर्ट लिस्ट में डाल दिया है और इसमें उन चीज़ों को रखा गया है जो अपने भारत में ही बनाई जाएंगी। इन चीज़ों में क्रूज मिसाइल, टैंक इंजन और आर्टिलरी गन जैसी चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा एक लिस्ट में आर्मी के लिए कपड़े जैसे दस्ताने और रेन बैग जैसी चीज़ें भी शामिल हैं। अब फॉरेन कंट्रीज से खरीदने के बजाय ये अपने भारत देश में ही तैयार होंगी। चलिए अब जानते हैं कि हम कहां से क्या इंपोर्ट करते हैं। गाइज, बेहद ठंडे इलाकों में तैनाती के लिए सोल्जर्स को उसी तरह के कपड़ों की जरूरत होती है जो उनकी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके। वहीं कुछ इलाकों में भीषण गर्मी होती है, इस दौरान सोल्जर्स सीमा पर मुस्तैद रह सके इसके लिए खास कपड़े दुनिया के अलग अलग देशों से मंगवाए जाते रहे हैं। जैसे दस्तानों की खरीद म्यांमार की एक कंपनी से होती रही है और ग्लेशियरों में सोने के लायक स्लीपिंग बैग को श्रीलंका से खरीदा जाता रहा है। एक और हड्डियां जमा देने वाली ठंड से बचने के लिए इंडियन आर्मी विदेशी सामानों पर निर्भर रहती है, तो वहीं दूसरी ओर खुद हमारे यहाँ से विदेशी सेना के लिए जरूरत की चीजें बनती आई हैं। गाइस, कानपुर में एक कंपनी है जो इजरायली सेना के लिए बूट तैयार करती है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इजरायली सेना सीमित संख्या में होने के बाद भी दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है जो किसी भी मामले में समझौता नहीं करती है। जाहिर तौर पर बूट जैसी जरूरी चीजें अगर वो भारत से मांग रहा है तो भारतीय तकनीक शानदार तो होगी ही, बट हम खुद ही अपने सामानों के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं और यही सब देखते हुए आर्मी के कपड़ों के लिए भी इंपोर्ट को कम करने की बात शुरू हो गई है। वैसे तो साल 2018 में ही इस बारे में बात की गई थी, लेकिन आर्मी ने इसका जवाब कुछ देर से दिया और साथ ही इंडिजनाइजेशन का लंबा चौड़ा प्लान भी दिया गया और अब इंडियन आर्मी में भी 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI की मंजूरी मिल चुकी है। इससे होगा ये कि जिन फॉरेन कंपनी से हम कपड़ों एक्सेट्रा का इंपोर्ट कर रहे थे उनसे कहा जा सकता है कि वो भारत से सेटअप कर लें और इससे लोकल टेक्सटाइल को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जूते और ग्लव्स के लिए लेदर इंडस्ट्री को इंकरेजमेंट मिलेगा। कानपुर और आगरा में जूते बनाने की इंडस्ट्री काफी बढ़िया है, ऐसे में उनसे भी आर्मी के लिए जूते बनवाए जा सकते हैं और आर्मी के कपड़े अब डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के पास है। और इसी के साथ ही कोशिश की जा रही है कि आर्मी यूनिफॉर्म का पूरी तरह से इंडिजनाइजेशन हो जाए। स्लीपिंग बैग, कैमोफ्लेज टेंट और जैकेट के लिए बेंगलुरु की एक कंपनी से बात भी हो रही है। आर्मी की जरूरतों को देसी तरीके से पूरा करने की बात के बीच एक सवाल ये भी आता है कि आखिर पहले से ही इसका इंडिजनाइजेशन क्यों नहीं हुआ। तो जवाब ये है कि आर्मी के लिए बनने वाले सामानों के साथ कई बार अननेसेसरी क्राइटेरिया भी बना दिया जाता है। जैसे टोपी वाली जैकेट के साथ शर्त रखी गई है कि वो बारिश से भीगने से बचाई जाए, जबकि सियाचिन में कभी बारिश होती ही नहीं है गाइस, क्योंकि वहां का टेम्परेचर हमेशा जीरो से नीचे रहता है। वैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लगातार देश में सामान बनने पर जोर दिया जा रहा है। बीते साल ये अभियान और तेज हुआ और साथ ही साथ चीन के बहुत से ऐप बैन कर दिए गए। गाइस, आर्मी की जरूरत के कपड़ों का बड़ा हिस्सा हम चीन से ही खरीदते रहे हैं। ये टेक्नो क्लोथिंग कहलाती है। स्पेशल टेक्निक से बनने वाले ये कपड़े ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीमली ओवर टेम्परेचर झेल सके। गाइस, अच्छी बात ये है कि ये सारा कपड़ा अब अपने भारत देश में ही तैयार हो सकेगा। गाइस, कैसी लगी आपको ये जानकारी नीचे कमेंट बॉक्स से लिखकर जरूर बताना और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।